हेडिंग डालिए हेलो, नहीं नहीं है बच्चों को चलिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। क्या है अच्छा टॉपिक है ठीक है। जब इस टॉपिक से अगर सबसे टफ क्वेश्चन बनना होगा तो वो इस पार्ट से आएगा, और टॉपिक बहुत आसान है बिल्कुल भी, मतलब अब मज़ा आने लगेगा। कुछ देर बाद आपको कहोगे कि सर ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी आसान टॉपिक है। ठीक है चलिए देखते हैं। ठीक है तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बारे में लिखिए, इट इज द सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज, इट इज अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज, इट इज अ सेंट्रल पॉजिटिवली चार्ज रिजिड पार्ट ऑफ एटम, रिजिड पार्ट ठीक है। तो बेसिकली एटम, पूरे एटम का जो मास है वो कहाँ पे कौन बियर करता है, न्यूक्लियस ठीक है, और नेट पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिव चार्ज भी न्यूक्लियस में ही पाया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिए न्यूक्लियॉन्स, क्या लिखेंगे, सुना है ना शब्द, तो लिखिए दीज आर द न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, दीज आर द न्यूट्रॉन and proton, these are the neutron and proton present inside the nucleus, present inside the nucleus and for a stable न्यूक्लियस डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस इज 2 फैराड टू 3 ठीक है। ये बेटा ऐसे गलत हो गया, इतना नहीं छापना होता है ठीक है। चलिए तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्मी, क्या कहते हैं फर्मी। फर्मी एक यूनिट होती है, क्या होती है फर्मी एक यूनिट होती है, एग्जाम में आ चुका है एक बार क्वेश्चन ठीक है। तो एक फर्मी का को अगर आप जानना चाहें लिखिए वन फर्मी इज इक्वल टू 10^-15 सेंटीमीटर। एक फर्मी कितने सेंटीमीटर के अप्रॉक्स होगा, 10^-15 सेंटीमीटर के अप्रॉक्स। हो गया। चलिए आप लोगों को एटॉमिक नंबर के बारे में पता है, अगर मैं आपसे एटॉमिक नंबर के बारे में जस्ट बात करूं तो क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम ठीक है। चलिए अगर मैं आपसे बात करूं मास नंबर की तो क्या होता है, व्हाट इज ए इज इक्वल टू एन प्लस, देखिए सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस, इट इज अ सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन इन अ न्यूक्लियस। यहां तक की कोई दिक्कत,
चले आगे बढ़े फटाफट, जल्दी पढ़े। ठीक है, अब आती है सबसे पहली बात, सबसे पहली शुरुआत इस टॉपिक की आइसोटोप्स। क्या आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे स्पीसीज जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन उनके मास नंबर वेरिएबल हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1s1 1s2 1s3 प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम C12 6C12 6C13 6C14। ओके, नोट करिए, एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर्स क्या सेम हो? एटॉमिक नंबर सेम हो और एटम ऑफ सेम एलिमेंट। ठीक है, एंड डिफरेंट क्या अलग हो? मास नंबर। सैनवाज आ रहा है? ठीक है, डिफरेंट मास नंबर लिखिए, आर कॉल्ड आइसोटोप। ठीक है, नोट करिए। सबने नोट कर लिया? अब बात आती है कि आइसोटोप में क्या सिमिलैरिटी है? एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। क्यों? क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती है। अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी तो सेम होगा। एटॉमिक नंबर क्या बताता है किसी एटम का? इलेक्ट्रॉन नंबर और प्रोटॉन नंबर। हाँ, थोड़ा सा तेज है ना? कोई बात नहीं, ये टॉपिक असल में पुराना टॉपिक है तो थोड़ा सा तेज होगा। अब बात आती है समानता है, सिमिलैरिटीज। यही भी पढ़ लेगा दोनों चीजें, सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज एक ही जगह पढ़ लें। डिसिमिलैरिटी, अब जब हम बात करते हैं तो देखो देखो इधर देखो इधर जैसा लिखा है 1H1 1H2 1H3। मुझे आप खुद बताएं, यहाँ पर ये एटॉमिक नंबर है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतना ही प्रोटॉन होता है। तो जरा देखना, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वन आएगा, प्रोटॉन वन आएगा, यहाँ पर भी तो यही है, इलेक्ट्रॉन कितना, प्रोटॉन कितना, यहाँ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या होता है? तो कहेंगे सर A-Z, ये होता है, ये क्या, तो यहाँ पर ऐसे नोट कर दें ZXA, ऊपर वाली चीज एटॉमिक मास, नीचे वाली चीज एटॉमिक नंबर, जो आपको नहीं आता नीचे साइड में कहीं लिख लीजिए अपने अपने लिए, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस चैप्टर को शुरू से नहीं पढ़ा उनके लिए। तो आप यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर 1-1 ये वाली कंडीशन में 1-1 आंसर क्या आएगा, 0। n = 2, यहाँ पर क्या है 2-1, n = 2, 2-1 होगा ना, और यहाँ पर क्या होगा, क्या आ जाएगा, साइमास। समझ में आया? तो अच्छा, अब बात आती है n/p रेशियो, n/p, तो कहेंगे 0/1, यहाँ पर 1/1, यही तो होगा। ये देखो ना, न्यूट्रॉन एक आया और प्रोटॉन भी तो एक है, और यहाँ पर 2/1 हो जाएगा, n/p रेशियो क्या हो जाएगा, 2/1। जिसको अपने जिसको नहीं पता था अभी तक वो नोट करे साइड में, ताकि उसके लिए काम आए फ्यूचर में। जैसे आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप साइड में कहीं नोट कर लीजिए, ऊपर आपकी कॉपी में जगह वहां नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ नोट करिए, तो जल्दी से आगे बढ़े एग्जाम्पल के तौर पर। एक बहुत बढ़िया मूवी आई है, सुना है वो सत्य प्रेम की कथा, नहीं देखा? अच्छे नंबरों में लाओ तो दिखाएंगे। और एक तो आई है मिशन इम्पॉसिबल, टॉम क्रूज, वो तो वो देखने जाते हैं। आपको पता है वो सारे स्टंट खुद से करता है अच्छे से, और इतना शानदार हीरो है,
मजा आ जाएगा तुम्हें देख के। तो आज का मैं मूवी देखने जा रहा हूँ। एक्चुअली ये फ्री की टिकट है तो जा रहा है। मेरा एक फ्रेंड है, उसके जो मामू है वो सीए हैं साजिद नाडियावाला के, तो उसको उन्होंने 4 टिकट फ्री दिए। मैं पैसे लगा के बॉलीवुड मूवी नहीं देखने जाता। पैसे लगा के हमेशा सिर्फ हॉलीवुड मूवी देखिए ताकि आपका पैसा वसूल जाए। बॉलीवुड में मैं सच बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ऐसे नुकसान झेले हैं। मैंने एक पिक्चर देखी थी उसमें थिएटर में जा करके, कपूर एंड सन्स। मतलब दिमाग खराब हो गया। मतलब उसमें करण जौहर ने अपनी स्टोरी डाल दी। अच्छी खासी पिक्चर चल रही होती है, पिक्चर के मिड हाफ में बता देते हैं कि फवाद खान ये उसको लड़के पसंद है। हाँ तो ऐसी पिक्चर बना लेता है, तो उसको मत देखिए। एक मूवी मुझे आज तक अच्छा लगा कि मैंने एक मूवी देखी थिएटर में जिसमें मेरा पैसा वसूला, चेन्नई एक्सप्रेस। बेहतरीन मूवी, मतलब बेइंतहा बेहतरीन थी। मतलब पहले टाइम से हंसते हंसते पिक्चर खत्म होते होते आदमी हंसेगा। और एक यूनिक मूवी थी, मतलब कोई कॉपी नहीं थी। हाँ उसके बाद एक पिक्चर मैंने देख ली थी सलमान खान की, मैं सदमे में था। ट्यूबलाइट तो बाहर, वो एक और थी राधे, मुझे उल्टियाँ आ रही थी। मैं सच बताऊँ मुझे कई कई दिन तक सर दर्द रहा है। मुझे लगता है कि वो एक टॉर्चर थी। मुझे सलमान खान थोड़ा सा लगा कि बढ़िया आदमी है, राधे ही तो थी। अरे जिसमें भी बीच में आया था, बहुत वाहियात मूवी। मतलब सलमान खान की मूवी अब आप देखना बंद कर सकते हैं। आप वांटेड देख सकते हैं सलमान की एक और मूवी थी जिसमें, वो तो बेहतरीन मूवी है वो। मतलब उसमें वही एक मूवी है जो सबसे अच्छी लगती है मुझे उसमें। मतलब मुझे एक था टाइगर टाइप की, मिशन इम्पॉसिबल टाइप की मूवियाँ इसीलिए पसंद है क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी सी आशिकी होती है, थोड़ा थोड़ा सा जो है एक्शन होता है, मतलब हर चीज़ थोड़ा थोड़ा होता है ना। और KGF जैसी मूवी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतनी कौन लड़ाई करता है, बात बात पे मार रहे हैं सब उसका वही है। इतना लेकिन नहीं पसंद, इतनी लड़ाई नहीं पसंद, थोड़ी थोड़ी लड़ाई हो। अरे वैसी वाली नहीं चाहिए, मतलब थोड़ी लड़ाई, मतलब लड़ाई इतनी होगी क्लाइमेक्स में लड़ाई हो, बीच बीच में कहीं कहीं फिलर के तौर पर आ जाए। अब भी लड़ाई पूरी पिक्चर में लड़ा, मैंने इतनी बंदूक की गोलियां सुनी मेरा। सर मुझे एकदम स्टार्टिंग में पता है बहुत ज्यादा होती है। इतना नहीं, थोड़ा बहुत। ऐसा मेरे फ्रेंड ने बताया था कि मेरे मामू लगते हैं और टिकट मिली है, चलोगे? हमने कहा जब मिली है तो चल सकते हैं, ठीक है आप लोग पढ़िए। लेकिन जब तक मूवी शुरू नहीं हो जाती है। मूवी कब शुरू हो रही है? 4:35 यानी आप 4 बजे शुरू। नहीं 4:15 तक खींच सकते हैं। अरे मुझे कितना टाइम लगता है, चलें। हाँ कह रहे पढ़ाइए। आप लोगों कहीं जाना तो नहीं है? नहीं। छोटे समोसे नहीं। अभी जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक मत जाइए। चलिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? देखो अगर कोई भी आइसोटोप होगा तो वो उसमें जिनका कंपैरिजन होने वाला वो एलिमेंट सेम होंगे। क्या होंगे? दूसरा पॉइंट कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा। क्या सेम होगा? जब एलिमेंट ही सेम होगा तो एटॉमिक नंबर भी सेम ही होगा। यही बात तो मेंडलीव नहीं बता पाए थे। उनसे पूछा गया, चलो तुम्हारी बात सही है, आइसोटोप्स की पोजीशन बताइए, नहीं बता पाए। ठीक है चलिए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम से मतलब हो ना हो। मैं आपको बताऊं
कि कोई भी केमिकल रिएक्शन कौन एटम के कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा, जिसकी वजह से 1H1, 1H2, 1H3 प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम एक ही तरीके की केमिकल प्रॉपर्टी शो करेगा। चलिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, इनका जो मास नंबर है, डिफरेंट मास नंबर। दूसरा पॉइंट देखिए, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, अभी हम लोगों ने किया भी था, एक में जीरो न्यूट्रॉन था, एक में वन न्यूट्रॉन था, एक में टू आया था, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो n इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस z। तीसरा फिजिकल प्रॉपर्टी वेरिएबल, डिफरेंट ये इंपॉर्टेंट है फिजिकल, जो कैसे आप कह सकते हैं कैसे मास वेरी कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट वेरी करेगा, बॉइलिंग पॉइंट वेरी करेगा, डेंसिटी वेरी करेगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, चलिए हेडिंग डालिए एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू m1x + m2y अपॉन x + y, ठीक है। हो गया, चलिए हेडिंग डालिए आइसोबार्स, हेडिंग डालिए आइसोबार्स, देखिए टू और डिफरेंट, टू और मोर डिफरेंट एटम, टू और मोर डिफरेंट एटम हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है। चलो एटॉमिक मास तो सेम है, एटॉमिक नंबर वेरिएबल है, जब एटॉमिक नंबर वेरिएबल तो अलग डिफरेंट एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटॉमिक नंबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये दिख रहा है, अभी दिख रहा है क्या, अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग, क्योंकि एक टाइप के एलिमेंट का एक ही एटॉमिक नंबर हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़े, हो गया, चलिए देखिए कुछ प्रॉपर्टी, जैसे नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा कि डिफरेंट होगा, आइसोबार है, अलग अलग एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होगा, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम कि डिफरेंट, ए माइनस जेड, अगर एटॉमिक मास सेम भी है तो एटॉमिक नंबर अलग हो रहा है, तो वैल्यू सेम आएगी कि अलग अलग, अलग अलग, ठीक है। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटॉमिक नंबर ही बदल जा रहा है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा, डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत शानदार बात आप लोगों ने बताई, द राइट आंसर इज डिफरेंट, कहीं है ये कैसे डिफरेंट, अरे मेरे भाई एटम ही बदल जा रहा है, एलिमेंट ही बदल जा रहा है, ठीक है। नोट करिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है,
चलिए एंड आ रही है आइसोटोन्स। देखिए टू और मोर डिफरेंट एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है, हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जांपल के तौर पर लिखिए सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर। सिलिकॉन हो गया भैया 40, फास्फोरस 15, सल्फर 16, 32, और ये क्या हो जाएगा 30, और ये हो जाएगा 30। चलिए तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस जेड, तो 30 माइनस 14 16 आएगा, 31 माइनस 15 16 आएगा कि नहीं, और 32 माइनस 16 इज इक्वल टू 16 न्यूट्रॉन आएगा, सेम है कि नहीं बोलिए, यस सर, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। चलिए नोट करिए, दोनों नोट करिए, आगे बढ़े सर। आइसोटोन्स, आइसोटोन्स टी ओ ओ ओ, ठीक, चलिए लिखिए आइसो डाइफर्स। नोट करिए टू और मोर एटम हैविंग सेम, टू और मोर एटम हैविंग, बहुत अच्छी अच्छी बात है, हैविंग सेम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन वैल्यू, न्यूट्रॉन प्रोटॉन वैल्यू बट डिफर इन एटॉमिक नंबर, मतलब एटम डिफरेंट है एटॉमिक नंबर है। एग्जांपल के तौर पर यूरेनियम 92, 238 और दूसरा है थोरियम 90, 234। तो N माइनस पी, क्या ठीक है, अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा 238 माइनस 92, N इज इक्वल टू होगा कि नहीं A माइनस जेड, और ये हो जाएगा N इज इक्वल टू क्या 234 माइनस 90, ये तो होगा, ये होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा न्यूट्रॉन आएगा कुछ 146, और यहाँ पर आएगा न्यूट्रॉन आएगा आपका 144। अच्छा प्रोटॉन कितना है बताएंगे सर 90, तो n माइनस पी इज इक्वल टू 144 माइनस 90, और यहाँ पर प्रोटॉन है कितना 92, यही तो है एटॉमिक नंबर के बराबर ही तो होता है, तो n माइनस पी इज इक्वल टू 146 माइनस 92। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 54। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 54। आ गया समझ में आया, चलिए नोट कर लीजिए। इसके बाद लिखिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक, हो गया बेटा, चलिए अगली हेडिंग डालिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो लिखिए टू और मोर स्पेसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
टू और मोर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ डिफरेंट विद डिफरेंट एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल के तौर पर N into O, CO2। तो आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, 14 और ऑक्सीजन का होता है 8 और 16। तो दो नाइट्रोजन है ना, 7 प्लस 7 और ऑक्सीजन कितना, 6, कितना हो गया 22 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का 6C12 होता है और ऑक्सीजन 8 और 16, 6 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया 8 8 16 16 4 20 2 22 इलेक्ट्रॉन। फिर एक जब आप 8 होगा, ठीक। चलिए एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और दे दें, आप कर पाओगे मुझे बताइएगा। N2 और CN- ये करके दिखाओ। कर पाओगे? नहीं दिख रहा है? हाँ, दूसरे में N2 मतलब एक नाइट्रोजन का कितना होता है 7, तो दो है ना, तो 2 × 7 कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। अच्छा यहाँ पे कितना है, तो कार्बन का कितना होता है 6, नाइट्रोजन का कितना 7 और एक इलेक्ट्रॉन और है माइनस चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया, हो गया कि नहीं, नोट कर लीजिए। चले आगे, बढ़िया सर। चलिए हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस नंबर वन इज मैजिक नंबर, या हम कहते हैं स्टेबिलिटी नंबर, ठीक है। Those atoms in which those atoms in which nucleus are more stable. For the lighter element, N/P is approximately 1. जैसे कि स्टार मैंने पॉइंट लिखी,
स्टार बना के एक पॉइंट लिखिए, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस एंड बिहेव एंड लिखिए, फॉर स्टेबल न्यूक्लियस एंड हैवियर एलिमेंट की जब बात आती है, देखो यहाँ पर तो एटॉमिक नंबर 20 के बाद शुरू हो जाता है, कहाँ से शुरू हो जाता है, एटॉमिक नंबर 20 के बाद से ये शुरू हो जाता है हैवियर एलिमेंट का जनरेशन। तो लिखिए फॉर स्टेबल न्यूक्लियस एंड फॉर हैवियर एलिमेंट, ठीक है। अब एन बाई पी की जो रेशियो है वो 1 से ज्यादा और 1.6 से कम होनी चाहिए, दिखाएं। तो इसकी तो बार आ गई थी ना, हम लोगों ने किया था, ठीक है। अब यहां लिखो दी एन बाई पी रेशियो इन बिटवीन एन बाई पी को 1 से ज्यादा होना चाहिए और 1.6 के या उसके बराबर, ठीक है, ये होना चाहिए फॉर स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ फॉर स्टेबल न्यूक्लियस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। बात आई समझ में, बोलिए। चलिए अब आगे की बात करते हैं स्टेबिलिटी की, ठीक है। एक ग्राफ बना लीजिए एलिमेंट की स्टेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर n by p की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 या उसी के आसपास, आया समझ में। अब आएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेशान थ्योरी, ठीक है। आगे बढ़ जाओ, चलिए नोट करिए। ठीक है, लिखिए इट वॉज डिस्कवर्ड बाय युकावा, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस कंटिन्यूअस एक्सचेंज ऑफ पाई मिशन इज टेक्स प्लेस बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ड्यू टू विच एक्सचेंज फोर्स कौन सा होगा, तो कहेंगे न्यूक्लियस के अंदर कौन सा फोर्स लगेगा, न्यूक्लियर फोर्स यही तो लगेगा। R develop which binds up these nucleons and
पार्टिकल्स कॉज द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस. नोट कर लीजिए, थ्योरेटिकल है, एसर्शन रीजन में आएगा, इसके अलावा कहीं नहीं आएगा. अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इसको आपने आप एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर है इसके, पैकिंग फ्रैक्शन. क्या पैकिंग फ्रैक्शन? पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है? इस कमरे को आप देख रहे हैं, इस कमरे के अंदर जितने पार्टिकल्स आ सकते हैं, ठीक है, तो इस कमरे का शेप लेने के लिए वही उसका पैकिंग फ्रैक्शन होगा. अगर इसके अलावा जो खाली जगह बच जाएगा उसको क्या कहेंगे? वॉइड्स. समझाता हूँ, बहुत बहुत आराम से सीख जाएंगे. क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ? ठीक है, बढ़ जाएं. चलिए, अब एक चीज होती है पैकिंग फ्रैक्शन, बात को समझिएगा. पैकिंग वाली, पैकिंग फ्रैक्शन. ये देखो, ये सारे क्वेश्चन जनरली तो नहीं आएंगे एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन एग्जाम में ऑर्डिनरी नहीं आएंगे, लेकिन अगर इस टॉपिक का सबसे अच्छा क्वेश्चन बनना पड़ा तो इसके बाहर नहीं जाएगा. बात समझ में आ रही है? अब देखो कैसे कहते क्या है. जैसे ये देखो, ये एक एटम है. अब एटम है तो टू डायमेंशन होगा कि थ्री डायमेंशन होगा? थ्री डायमेंशन. एक बॉल को देखिए, एक बॉल को इमेजिन करिए, एटम आ जाएगा. ये एटम, ये दूसरा एटम है, ठीक है, ये तीसरा एटम है और ये चौथा एटम. अब सेंटर से सेंटर, सेंटर सेंटर, ठीक है. अभी देखिए, ये बॉल आपको स्फेरिकल माननी पड़ेगी. तो देखिए, मेरे हाथ को आप समझेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे. ये अगर ऐसे है और दूसरी बॉल ये है, तो एक बात समझिएगा, अगर यहाँ पे है तो ये ऐसे आएगी, मतलब यही राउंड, यही ये देखिए है ना, तो स्फेरिकल है. बेटा देखो कौन है, कैसा है, स्फेरिकल है, ठीक है. इतनी कैसे बोलते हैं, चलिए इस बात को समझिए. ये एक और स्फीयर है, ये एक और स्फीयर है, ये एक और स्फीयर है, और ये है चौथा. अब बात समझिए, आप कुछ डरिए नहीं, सोचने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा दिमाग लगे वहां दिमाग लगाना ही नहीं है. आप इस कमरे को देखिए, इस कमरे के इस कॉर्नर पे एक बॉल रखी है, एक इस कॉर्नर पे रखी है, एक वहां पे रखी है, वहां पे रखी है, ऐसे ही एक नीचे नीचे रखी है, ठीक है. अब एक बात समझना, अगर मैं इस कमरे की बात कर रहा हूँ तो समथिंग लाइक दिस, कमरा इस तरीके का होगा. हाँ, सॉलिड स्टेट का ही पार्ट है, पैकिंग फ्रैक्शन. जब मैं इस यहाँ पर बात कर रहा हूँ तो इस बॉल का, अगर यहाँ पर इस कॉर्नर पे एक बॉल रखूँ तो बॉल कौन कौन से कमरे में जाएगी? ऊपर, जस्ट बगल वाले कमरे में भी जाएगी. हाँ. कॉर्नर पे रखो, खुद इमेजिन करो, और इसी के जस्ट पीछे वाले कमरे में जाएगी, उस वाली रूम के पीछे वाले रूम में जाएगी, चार कमरे हो गए, और इसी अभी बॉल का आधा हिस्सा ही गया है, और यही चारों कमरे ऊपर रख दो इस क्लास रूम के ऊपर वाले फ्लोर का एक कमरा, बगल वाले रूम का भी एक कमरा, पीछे का कमरा, बगल वाले का कमरा, तो ये बॉल आठ कमरों को जोड़ रही है ना. तो एक बॉल का कितना हिस्सा इस कमरे में है? आधा.
एक बटे आठ कितना कर पा रहे इमेजिन, आठ टू आठ कमरों में वो शेयरिंग कर रहा है, तो एक कमरे में कितना शेयर है उसका, है ना, एक बटे आठवां हिस्सा। अब बात आती है ऐसे ही एक दो तीन चार आ गए, आठ बॉलें लगेंगी, देखो एक बटे आठ, एक बटे आठ, एक बटे आठ, एक बटे आठ, चार हो गई, चार बॉल हो गई, एक बटे आठ पांचवी छठी सातवीं आठवीं, मतलब एक बटे आठ की आठ बॉलें अगर लगाएंगे तब हमारी जो है इस कमरे में ऑक्यूपाई करेगी। अच्छा जरा करोगे तो आंसर वन आएगा कि नहीं, अल्टीमेटली एक ही बॉल इसको बनाने के लिए भले आधा एक बटे आठवां आठवां हिस्सा लगा, इसको कहते हैं सिंपल पैकिंग, सिंपल क्यूबिंग, क्या कहते हैं, सिर्फ सिंपल क्यूब बनाने के लिए हमको इतने की जरूरत पड़ी, अल्टीमेटली एक एक स्फीयर यहाँ पे इन्वॉल्व हुआ या एक एटम इन्वॉल्व हुआ, अदरवाइज हर एटम का एक बटे आठवां हिस्सा हमारा यूटिलाइज हो रहा था। अब यहीं से शुरुआत होती है पैकिंग फ्रैक्शन की, किसकी, तो इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ गया, तो कहेंगे सर इसमें देखो बहुत सारी चीजें आती हैं, अब यहाँ पर देखिए इसको जेड की वैल्यू बनेगी है, आगे चल के जेड एटॉमिक नंबर वाला जेड नहीं, एक नई चीज है, आप समझेंगे सारी चीजें समझाएंगे, पूरा एक डेडिकेटेड चैप्टर है एटॉमिक सॉलिड स्टेट, वहां पे हम आपको पढ़ेंगे। इसी तरीके से अब इसी कमरे के अंदर अगर एक बॉल और रख दे, सेंटर में रख दे, इस कमरे के सेंटर में एक बॉल रख दे, तो इस स्फीयर के अंदर उसका कितना कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, कहेंगे फुल। अगर इस कमरे के बीच में एक बॉल रख दोगे तो फुल कॉन्ट्रीब्यूशन है, तो वन प्लस वन हो गया। अगर इस दीवार में एक बॉल लगाई जाए, उस दीवार के मिड में, ये जो दीवार है इसके मिड में रखी जाए एक बॉल, इस दीवार के मिड में एक बॉल रखी जाए, तो कहेंगे सर आधा इधर और आधा उधर, तो कितना हो जाएगा, कहेंगे इस क्यूब में कितने दीवारें हैं, एक दो तीन चार पांच और छः, तो वन बाई टू इंटू सिक्स कितना हो गया, थ्री। तो एक चीज होती है एफ सी सी, एक चीज होगी एच सी पी, एक होगा सी सी पी, ठीक है पूरा पढ़ाएंगे टॉपिक पढ़ाएंगे, तो अभी आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है चलिए मजा आएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है सॉलिड स्टेट, तो इतना शानदार चैप्टर है कि मुफ्त के नंबर है उस चैप्टर में। चलो किसको टफ लगता है सॉलिड स्टेट, पढ़ने के बाद हट गया था, बहुत बुरा लगा था, हाँ पढ़ने के बाद हट गया था। चलिए तो व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन, लिखिए इट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इट डिस्क्राइब्स द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इट डिस्क्राइब द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस एंड कैन कैलकुलेटेड बाय and can calculated by, अब कौन आ गया, packing fraction is equal to iso isotopic mass minus actual mass upon atomic mass ठीक है। अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू जीरो है तो ये क्या होगा, स्टेबल, मतलब एटम या स्पीसीज क्या होगी, स्टेबल। और अगर पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू मोर देन जीरो आती है तो स्पीसीज क्या है, अनस्टेबल, कैसी है, अनस्टेबल, नोट करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें 10 की पावर 14 कर लो फॉर्मूला, चलो करें। Yes, sir.
आप क्वेश्चन करेंगे तो मजा आएगी। चलो यहाँ पर देखते हैं, दो चीज लेते हैं, एक है 6C12 नॉर्मल कार्बन और एक है 6C14। फॉर्मूले में जो फॉर्मूला लिखे हो वही लिखना। फॉर्मूले में सबसे पहले लिखा होगा तुमने आइसोटोपिक मास कितना है, और इसका एक्चुअल मास कार्बन का कितना होता है, 12। नॉर्मल कार्बन जब भी एटॉमिक पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हो कितना होता है नॉर्मल कार्बन का एटॉमिक मास, 12 ही होता है ना, ऐसे पढ़े होगे 6C12 ही पढ़े होगे हर जगह। अपॉन एक्चुअल मास, कार्बन का एक्चुअल मास कितना है 12, और इनटू 10^14 कितना आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करो कितना है, कहेंगे सर 14, आइसोटॉपिक मास कितना है 14, और इसका एक्चुअल मास कितना होता है 12, और इसका एटॉमिक मास कितना होता है 12 10^14। क्या आंसर जीरो आएगा, 4/12 समथिंग आएगा, राइट, अरे सॉरी 2/12 इंटू 10^14, मतलब ऐसा मास, मतलब कुछ तो वैल्यू आने वाली है, जीरो नहीं आने वाली है, जीरो से ज़्यादा आने वाली है कि नहीं। तो सॉल्व करके ही बता पाओ क्या स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ऐसे ही बता सकते हैं ये स्पीसीज क्या होगी। और यही तो रीज़न है कि ये रेडियो एक्टिव होती है और ये अनस्टेबल ही तो होती है, इसीलिए तो रेडियो एक्टिव डिके कहते हो, कार्बन 14 है, रेडियो एक्टिव होती है कि नहीं। चलिए अगली चीज है मास डिफेक्ट, ठीक है, कोई कुछ कहेगा नहीं। जब आप लोग फोन चार्ज करते हो तो मैं डांटता हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं। मास डिफेक्ट क्या, मास कैसे डिनोट करते हैं, डेल्टा एम। देखिए थियोरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं और यहां पे लेते हैं ऑक्सीजन का, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियस किस किस चीज से बना होता है, प्रोटॉन से। चलो तो अगर मैं यहां पर देखूं तो प्रोटॉन कितना है, कहेंगे और न्यूट्रॉन क्या होगा, तो 16-8 यही तो होगा, अरे n माइनस a माइनस z एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर से ही तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलता है, बड़े है ना, सही बात है। चलो तो 8 न्यूट्रॉन प्लस 8 प्रोटॉन माइनस यही तो हो गया 16, यही तो मास नंबर है। अब न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, प्रोटॉन का मास क्या होता है, उसी मल्टीप्लाई करो, 8 × 1.0089 प्लस 8 × 1.0075 माइनस 16, तो डेल्टा एम बराबर 16.132 माइनस 16, मास डिफेक्ट कितना आ गया 0.132 एटॉमिक मास यूनिट। ये सब कभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मास डिफेक्ट वगैरह, अरे फिजिक्स में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि नहीं, नहीं सर, लेकिन आता है पेपर में, तब ऐसा लगता है कि यार सुना तो है लेकिन लग नहीं रहा है, ठीक है। तो एटॉमिक किसी भी चैप्टर की जो मैक्सिमम एक्सट्रीमिटीज हैं कि कहाँ तक की पॉसिबिलिटी है उसको जरूर पढ़े,
यहीं से दायरा डिसाइड हो जाएगा, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। चलो ये आप लोगों को टफ लग नहीं रहा होगा, लेकिन है नहीं, मतलब एक्चुअली ये है बट है नहीं, आसान नहीं लग रहा है, मतलब ठीक है अभी तक आसान है, आगे भी ऐसे ही आसान रहेगा। ठीक है चले आगे बढ़ जाए बेटा, चलिए बाइंडिंग एनर्जी। जिस किसी ने एडवांस के पेपर देखे होंगे वो इस टॉपिक से रिलेट कर पाएगा, अगर आप जा करके मॉड्यूल खोलिएगा तब आपको मज़ा आ जाएगी, कहेंगे हाँ मैंने पढ़ा है। ठीक है तो अच्छे क्वेश्चंस भी हमें देखने चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, देखिए इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, इट इज the amount of energy released when a nucleus is formed, when a nucleus is formed from its न्यूक्लियस। ठीक है राइट, एट न्यूट्रॉन प्लस एट प्रोटॉन इज इक्वल टू आर, यही होगा। अभी हम लोगों ने निकाला था तो मुझे लगता है इसके लिए हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। न्यूट्रॉन का मतलब क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो ए माइनस एट करेंगे तो 16 माइनस एट करेंगे तो कितना आंसर आएगा, यही, इसलिए डायरेक्टली मैंने यहाँ लिख दिया। तो लिखिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 127 me, या फिर एक डेफिनेशन लिखिए द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक न्यूक्लियस इनटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, ये टूटेगा किसमें, कहेंगे सर आर न्यूट्रॉन प्लस आर प्रोटॉन, यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी, अब ये देखो रिक्वायर शब्द लगा है तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 127 me, तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 MeV। ठीक है, रिक्वायर है, रिलीज लिखा है, साइन साइन रिलीज मतलब निकल रही है, एलिमिनेट हो रही है, तो साइन बता रहा है कि किस फॉर्मेट में आपने लिखा है, मतलब उसको हाईलाइट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है आगे बढ़े, लिख लीजिए फॉर्म, चलिए हो गया, सबने नोट कर लिया, अलग अलग कॉपी में क्या करिए, फिजिकल केमिस्ट्री की कॉपी चल रही है कि नहीं, कॉपी अलग कर लीजिएगा सर, हाँ पता चला। ठीक है चलिए, तो मेरी केमिस्ट्री में कितनी कॉपी, फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है चलिए लिखिए बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 me। ठीक है चलिए हेडिंग डालिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसी को कहते हैं स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी, क्या कहते हैं, तो क्या मैं इसको सीधे एस बी लिख दूं, दिक्कत हाँ सिंपली लिखिए ना, बहुत लिखने की जरूरत क्या है, तो मैं अब फॉर्मूला बना रहा हूँ, तो स्पेसिफिक
बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ और एक बाकी है वो पीपीटी ले लिया करे, बाहर बेचने मत लगना ठीक है। सो स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम फॉर आयरन एंड इट विच इज फॉलोड बाय लेड, ठीक है, आयरन से के बाद लेड की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो लिख लीजिए SBE इज मैक्सिमम फॉर आयरन, स्पेसिफिक बाइंडिंग एनर्जी इज मैक्सिमम ऑफ आयरन एंड फॉलोड बाय इन्हीं के पद चिन्हों में कौन चलेगा, लेड, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन किया जाए। चलिए पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं। हेडिंग डालिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, हेडिंग डालिए डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो डेंसिटी इज इक्वल टू एम अपॉन वी, so it is equal to mass number into 1.66 into 10 की पावर माइनस 24 अपॉन वॉल्यूम, क्या होता है तो कहेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, एटॉमिक स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, गुड, द राइट इज 4/3 pi r³, ठीक है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो मास नंबर इनटू 1.66 इनटू 10 की पावर माइनस 24 अपॉन 4/3, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, इनटू 1.33 इनटू 10 की पावर माइनस 13 इनटू a 1/3 का क्वेश्चन आते नहीं हैं चीज़ों पे, बस यहीं तक पूछ लेता है कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, तो बस फार्मूला लिख देता है, उसमें से 2-3 फार्मूला गलत लिखेगा, 1-2 फार्मूला सही लिखेगा, आपको सही बताना होगा। अब का टॉपिक ही सबसे इम्पॉर्टेंट है, अभी तक तो बस ऐसे ही मजाक चल रहा था, अभी से टॉपिक शुरू हो गया है रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। काइनेटिक्स में है लेकिन बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, तो दोनों जगह थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। हेडिंग डालिए रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। चलिए तो रे एमिटिंग कैपेसिटी, व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी, एक्चुअली इट इज अ रे एमिटिंग कैपेसिटी, मतलब कोई एटम है पर वो क्या रिलीज कर रहा है, रेडिएशंस, जैसे यूरेनियम है तो वो क्या करेगा, रेडिएशन रिलीज कर रहा है। अच्छा, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, तो एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो एटम का साइज बढ़े घटेगा कुछ फर्क पड़ेगा, डीके कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, डीके, धीरे धीरे क्या होगा वो उसका पार्टिकल का साइज छोटा होता जाएगा, और क्यों, क्योंकि जो है एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है उसका मास। रे एमिटिंग कैपेसिटी, अगली बात है ये कैसा फेनोमेना है, इट इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना, इट इज अ न्यूक्लियर फेनोमेना, इट फॉलो
हेलो। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, चलिए।